सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री मां। सा विद्या या विद्या, श्री विद्या को विद्या कहा गया है। संसार में, संसार की लौकिक वस्तुएं संसार में ही हमको फंसाती है, किंतु श्री विद्या की आराधना यदि लौकिक हेतु को लेकर के की जाए तब भी यह प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ही ले जाने वाली है, क्योंकि यह विद्या है। ये एक ऐसी विद्या है, सा विद्या या विमुक्ति, यह विद्या लौकिक आराधना को के कारण हम जो आराधना करते हैं, लौकिक आकांक्षा को लेकर के जो आराधना करते हैं, तब भी यह हमें मुक्ति देती है। इसकी आराधना किसी भी तरीके से की जाए, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो जो श्रद्धा से, समर्पण से और भगवती की आराधना करते हैं तो वो क्षम्य होती है, क्योंकि माता करुणामयी है। लेकिन ध्यान रखें कि श्री विद्या की आराधना बिना गुरु कृपा के फलीभूत नहीं होती है। कितना ही बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा आराधक हो, कितना ही बड़ा उपासक हो, लेकिन गुरु कृपा का अवलंबन नहीं है तो श्री विद्या की आराधना में आपको जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए इसे गुरुगम्य विद्या कहा जाता है। गुरु चरणों में निष्ठा रख करके ही श्री विद्या की आराधना करना चाहिए। यहां पर क्रम का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहां दीक्षा का भी क्रम है, आराधना का तो क्रम है ही है, दीक्षा का भी अपना एक क्रम है। गुरु चरणों में क्रम से दीक्षा लेना चाहिए, सीधे षोडशी महाषोडशी की दीक्षा ले लें ठीक नहीं। 10 महाविद्याएं हैं तंत्र आराधना, और तंत्र आराधना में 10 महाविद्याओं की आराधना में किसी भी आराधना को करने जाए तो प्रवेश का द्वार श्री विद्या ही है, और जो श्री है यह वेद मूलक है। वेदों में श्री स्वरूप का निष्पादन किया गया, श्री का जो स्वरूप है वह भगवती लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, ऐश्वर्य का स्वरूप माना गया है, भगवती का स्वरूप माना गया है, शक्ति का स्वरूप माना गया है श्री। और जो श्री की आराधना है ये शिव और शक्ति की सम्यक आराधना भी है। यद्यपि श्री यंत्र में सभी देवी और देवताओं की आराधना की जा सकती है, शिव श्री विद्या जैसे विद्या है, शिव वाम भागिनी लिया भगवान शंकर की वामाग्नि शक्ति, शिव स्वरूप का जो स्वरूप है वहां पर जब हम ई को हटा देते हैं तो शिव भी सव हो जाता है, अर्थात जो ई है वह शक्ति है, बिना शक्ति के शिव भी सब हो जाता है। शक्ति की प्रासंगिकता हर जगह पर है। इस संपूर्ण समष्टि को चलाने वाली जो परम चेतना है वही शक्ति है, ब्रह्म को भी शक्तिमान बनाने वाली वही शक्ति है। बिना शक्ति के शक्तिमान भी सौ के समान हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्रियाशीलता तो वहां पर शक्ति से आती। शिव वाम भागिनी लयां भगवान शिव की वाम श्रृंकार का बीज मंत्र है, और जो श्री चक्र के मूल बिंदु में विराजमान रहती है वही भगवती राजा राजेश्वरी कही गई, वही महालक्ष्मी कही गई है, वही अम्बा परम्बा जगदम्बा कही गई है। इनकी आराधना गुरु चरणों में बैठ करके की जानी चाहिए,
श्री विद्या की में प्रवेश करके ही किसी भी तरह की तंत्र आराधना करनी चाहिए, और साथ ही साथ गुरु चरणों में प्रीति हो, अनुराग हो, साथ ही साथ गुरु सानिध्य में रह करके और गुरु के आदेश को प्राप्त कर करके ही यहाँ पर पग पग पर आगे बढ़ा जाता है। हर पग पर आपको गुरु की आज्ञा लेनी, गुरु आज्ञा से यह शीघ्र फलीभूत होती है। और माँ भगवती जगदम्बा परावट्टारिका श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की परम कृपा आप सबको प्राप्त होती है, कब जब गुरु चरणों में प्रीति और अनुराग के साथ में गुरु की आज्ञा का अवलंबन प्राप्त करके जब हम श्री चक्र की अधिष्ठात्री भगवती की आराधना